हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 4, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है या फिर एयर प्रेशर बेल्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पर सेवन स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और साइंस के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Have you tried the activity that shows air has weight given on page number 16 of your science textbook? तो साइंस के टेक्सटबुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 16 के ऊपर आपको एक एक्टिविटी दी है कि जिसमें अगर स्ट्रॉ के ऊपर हम दो बलून्स को टाई करते हैं तो एक बलून जिसमें हमने हवा ब्लो की हुई है और एक जिसमें हवा नहीं है। अगर ऐसे होता है तो आप देखोगे कि जिस बलून में हवा है, ब्लोन जो बलून होता है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हवा को भी वेट होता है, एयर हैज़ वेट, ये इस एक्टिविटी में हमें दिखाई देता है। ड्यूरिंग द एक्टिविटी यू सॉ दैट द बैलेंस टिप ऑन द साइड ऑफ द फुल ब्लोन बलून, कि जो बैलेंस है वो नीचे आने लगता है, कौन से साइड में, जो कि ब्लोन बलून होता है, जिस बलून में हवा है उस साइड में स्ट्रॉ क्या होती है, नीचे आने लगती है। दिस शोज दैट द एयर हैज वेट, इससे हमें पता चलता है कि हवा को भी वेट होता है। एनी थिंग दैट हैज़ वेट एग्जर्ट प्रेशर ऑन द थिंग दैट लाइज बिलो इट, जो भी चीज़ होती है जिसमें वेट है वो क्या करती है, प्रेशर को एग्जर्ट करती है उसके नीचे जो भी चीज़ हम रखते हैं। देखिए, अगर हमने पेपर्स रखे हैं और उसके ऊपर अगर पेपर वेट रखते हैं तो पेपर वेट जो होता है उसको वेट है तो वो प्रेशर अप्लाई करता है, एग्जर्ट करता है उन पेपर्स के ऊपर। अगर आपने कोई बुक एक दूसरे के ऊपर, जब बुक्स रखते हो तो वहाँ पे क्या होगा कि जो नीचे वाली बुक होती है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर वाले बुक्स। Does the air in the atmosphere exert pressure on the surface of the earth? कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर के लेयर होते हैं, तो जो ऊपर वाली एयर है वो प्रेशर अप्लाई करती है कहाँ पर, जो सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो एयर होती है उसके ऊपर क्या होता है, फिर प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट होता है। ड्यू टू दिस एयर प्रेशर वेरियस फेनोमिनन लाइक स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, तो इसके कारण जो एयर प्रेशर वहाँ पे होता है उसके कारण कई सारे फेनोमिनन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स है, प्रेसिपिटेशन होता है, ऑकर इन द एटमोसफियर, देर आर वेरिएशन इन एयर प्रेशर। देखिए, हर जगह पे एयर सेम होती है क्या, या फिर एयर ऐसी चीज़ है क्या जो एक जगह पे स्टेबल होगी, नहीं होगी। अगर आप बुक एक के ऊपर एक रखते हो तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो सेम ही रहेगा। अगर आप पूरे दिन में रखो या फिर दो दिन रखो, चार दिन रखो, वहाँ का जो प्रेशर है बुक्स का वो सेम ही रहेगा। लेकिन एयर सेम होती है क्या हर जगह पे, नहीं, एयर बहती है इधर उधर, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका वेट अलग हो जाएगा, उसका प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो वेरिएशन हमें दिखाई देगा कि एटमॉस्फेयर में हमें हर जगह पे जो एयर प्रेशर दिखाई देगा वो सेम नहीं होगा। एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो एयर है वो ही यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पे सेम नहीं है। तो जो एयर प्रेशर वहाँ पे होगा वो भी सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा क्या हर जगह पे, नहीं, क्योंकि एयर जो है हमेशा यहाँ से वहाँ क्या होगी, ब्लो होती है, विंड्स आते जाते हैं, तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर क्रिएट होगा या फिर एयर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो भी यूनिफॉर्म मीन्स सेम नहीं होता है। एयर प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर टाइम क्या होता है एयर प्रेशर चेंज होता है। द अल्टीट्यूड ऑफ ए रीजन, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो उसके रीजन क्या होते हैं, कि अल्टीट्यूड ऑफ ए रीजन, वो रीजन कौन सा है, हायर जगह पे है या फिर कम जगह पे है, सी लेवल पे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी। टेम्परेचर देखा जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे एयर प्रेशर अलग होगा। एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट है वाटर वेपर का, तो इसके अकॉर्डिंग भी एयर प्रेशर क्या होता है, वेरी होता है। अल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड है, अल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर, द प्रपोर्शन ऑफ डस्ट इन द एयर, वाटर वेपर, हैवी गैसेस एक्सेट्रा इज हायर इन द एयर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सर्फेस के ऊपर अगर हम जो एयर है क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो भी एयर है वहाँ पर हमें डस्ट ज़्यादा दिखाई देगी, उसके बाद वाटर वेपर भी ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज कहाँ पे है, ज़मीन के ऊपर है, तो वाटर वेपर भी वहाँ पे ज़्यादा दिखेगी, हैवी गैसेस भी हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। दिस प्रोपोर्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन होता है डस्ट का, वाटर वेपर का एंड हैवी गैसेस का, ये डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, मीन्स
अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड मीन्स हाइट बढ़ती जाएगी, उस तरीके से ये प्रोपोर्शन जो होता है डस्ट का, हैवी गैसेस का, वाटर वेपर का, ये कम होता जाएगा. एज वन मूव्स हायर एंड हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर. तो ये चीज़ आपने पहले भी सुनी होगी कि जिस तरीके से हम हाई प्लेसेस पे जाते हैं या फिर माउंटेंस के ऊपर अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हवा कम होती है, मीन्स थिनर एंड थिनर, कम से कम हवा वहाँ पे होती है. एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. तो एयर प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, कम होगा. जैसे देखिए इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड मीन्स हाइट के ऊपर, कि अगर हम माउंटेंस के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे हवा कम है, हवा कम है तो उसका वेट कम है और उसके कारण एग्जर्ट होने वाला एयर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इसका रिजल्ट क्या होगा कि एयर प्रेशर डिक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. अगर हम हाइट के ऊपर जाते हैं, माउंटेंस के ऊपर जाएंगे, मीन्स वहाँ पे अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पे एयर ही कम है. तो एयर कम है तो उसका वेट भी कम है और उससे एग्जर्ट होने वाला प्रेशर भी कम ही होगा. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर किस तरीके से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी है, टेक अ फ्लाइंग लैंटर्न, टाई एन अप्रोक्सीमेटली 5 meter लॉन्ग थ्रेड टू द फ्लाइंग लैंटर्न सो दैट यू कैन ब्रिंग द लैंटर्न डाउन वेन एवर रिक्वायर्ड. कि जैसे आपको पिक्चर में दिया है इस तरीके से एक लैंटर्न आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे जो है आप 5 meter की थ्रेड इस तरीके से उसे टाई करोगे कि जब आप चाहे उसे क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ खींच सकते हो. आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द पैकेज ऑफ द लैंटर्न ओपन इट एंड लाइट द कैंडल प्लेस इन इट. आपको लैंटर्न को ओपन करना है, उसमें एक कैंडल को रखना है और उसको फिर क्या करना है, जलाना है. ऑब्जर्व वॉट हैपन्स. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आफ्टर सम टाइम ब्रिंग द लैंटर डाउन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड एंड पुट ऑफ द कैंडल. तो एक्टिविटी ईजिली दी है आपको किस तरीके से आपको करनी है. एक लैंटर्न लेना है, उसके बीच में आपको कैंडल रखनी है और उसके बाद कैंडल को जला के आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है. तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो लैंटर्न है, जब हम कैंडल्स को जलाते हैं तो कैंडल जलने के बाद जो है लैंटर्न ऊपर की तरफ जाने लगता है और जब लैंटर्न ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपको इस तरीके से थ्रेड को पकड़ के रखना है और थोड़ी देर के बाद आपको वो फिर से नीचे लेना है, कैंडल को बुझाना है. तो कुछ क्वेश्चन आपको इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर दिए हैं, उसको हम देखेंगे. डिड द फ्लाइंग लैंटर्न स्टार्ट असेंडिंग इमिजिएटली आफ्टर द कैंडल वॉज लाइट. अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके बाद आपको लैंटर्न ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है क्या. वॉट वुड हैव हैपन टू द फ्लाइंग लैंटर्न हैड द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश आफ्टर द लैंटर्न हैड गोन अप इन द एयर. अगर हम लैंटर्न को नीचे की तरफ लेते हैं और कैंडल को बुझाते हैं तो क्या उसके बाद भी लैंटर्न ऊपर की तरफ जाता है क्या. तो कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे होता क्या है. देखिए द एयर इन द फ्लाइंग लैंटर्न गेट्स हीटेड वंस द कैंडल इज लिट. तो जो लैंटर्न होता है वो हवा में क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल के जलने के कारण जो है जो लैंटर्न में हवा होती है वो गर्म होने लगती है और गर्म जैसे हवा होती है वो एक्सपांड होने लगती है एंड लाइट होती है. और जैसे ही है हवा लाइट होती है ऊपर की तरफ जाने लगती है और जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है तो उसके साथ साथ जो लैंटर्न होता है वो भी ऊपर की तरफ जाने लगता है. द हॉट एयर एक्सपांड्स बिकम लाइटर एंड स्टार्ट्स मूविंग अप, देयरफॉर द लैंटर्न इज ऑल्सो लिफ्टेड अप टूवर्ड्स द स्काई. इन नेचर टू अ सिमिलर फिनोमिनन ऑकर्स. तो जैसे हमने लैंटर्न के बारे में देखा कि लैंटर्न में अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा एक्सपांड होकर फिर लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर की तरफ स्काई की तरफ जाने लगती है और हवा के साथ साथ जो लैंटर्न होता है वो भी ऊपर की तरफ मूव होने लगता है. तो सेम कंडीशन हमें कहाँ पे दिखाई देती है, नेचर में भी. ये जो फिनोमेनास होते हैं एयर प्रेशर के तो वो भी इसी तरीके से होते हैं. कैसे, देखिए टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर क्लोजली रिलेटेड. क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ पे जो हवा होगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और वो हल्की होकर फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगी. वेयर एवर द टेम्परेचर इज हाई द एयर प्रेशर इज लो. तो एयर प्रेशर लो क्यों होगा वहाँ पे, क्योंकि हवा ही नहीं रहेगी. अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हवा है और वहाँ पे गर्मी के कारण टेम्परेचर ज़्यादा है तो अर्थ सरफेस भी गर्म होता है, जिसके कारण हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाने लगेगी. तो सरफेस के ऊपर हवा ही कम है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा. एज द टेम्परेचर राइजेस द एयर गेट्स हीटेड एक्सपांड्स एंड बिकम लाइटर. कि टेम्परेचर राइज होने के कारण, इंक्रीज होने के कारण हवा गर्म होती है, एक्सपांड होती है एंड लाइट हो जाती है. दिस लाइटर
अंडर एयर इन द विसिनिटी ऑफ द अर्थ सर्फेस स्टार्ट मूविंग अप टूवर्ड्स द स्काई. तो अर्थ सर्फेस पे जो हवा है वो गर्म होगी, हल्की होगी और कहाँ पे जाएगी, स्काई की तरफ. एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन सच एरियाज डिक्रीजेस. और इसके कारण क्या होता है, एयर प्रेशर, ऐसे जो रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, एयर प्रेशर लो दिखाई देगा. मीन्स एयर प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे डिक्रीज होने लगता है. नेक्स्ट हम देखेंगे, टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द टेम्परेचर जोन इज मच लार्जर वाइल प्रेशर बेल्ट्स आर नैरो. कि टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट्स क्या है, इंटर रिलेटेड क्यों है वो भी हमने देखा कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा. तो वहाँ पर जो बेल्ट्स फॉर्म होंगे वो लो प्रेशर के फॉर्म होंगे और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होंगे. नेक्स्ट आपको दिया है कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है टेम्परेचर जोन का ज़्यादा है लेकिन एयर बेल्ट का नैरो है. कैसे, देखिए जो हमें डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है ये है टेम्परेचर जोन्स और दूसरी जो डायग्राम है वहाँ पे दिए हमें प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स. तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परेचर जोन जो इस तरीके से बनाए गए हैं तो इसका जो एक्सटेंड है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. और यहाँ से अगर 0 डिग्री के यहाँ से अगर हम देखेंगे कौन से साइड में, साउथ साइड में, तो वो हमें कितना दिखेगा कि 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. और यहाँ से फिर कौन सा दिख रहा है, यहाँ तक 66 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. और अगर हम प्रेशर बेल्ट्स को देखेंगे तो देखिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको जो एक्सटेंड दिखेगा इसका कितना है, 5 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री नॉर्थ. देखिए यहाँ पे आपको दिया भी है पैरेलल एक्सटेंड, तो ये काफ़ी छोटा हमें दिख रहा है. यहाँ पे अगर ये वाला आप देखोगे तो 0 to 23 degree है लेकिन यहाँ पे अगर ये देखोगे तो कितना है, 5 degree south to 5 degree north, इतना ही दिख रहा है. नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट आपको दिया है इसका एक्सटेंड कितना है, 25 to 35 degree, इतना ही दिया है. तो ये नैरो आपको दिखेगा, डायग्राम देख के भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है सी फिगर 4.2A and 4.2B. फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम 23 degree to 30 minutes to 66 degree 30 minutes. कंपेयर टू दिस द एयर प्रेशर बेल्ट हैज़ लिमिटेड एक्सटेंड, इट इज जनरली अप टू द 10 degree parallel. सिर्फ 10 degree parallel का ही डिस्टेंस हमें वहाँ पे दिख रहा है जैसे हमने पहले देखा था. देखिए अगर फिर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना है, 25 to 35, मीन्स 10 degree का ही डिफरेंस है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 degree to 23 to 30 या फिर 23 to 66, इतना दिख रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर टू. कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर का हमें दिखाई दे रहा है जिसके कारण एयर प्रेशर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अलग होगा. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई प्रेशर बेल्ट्स हॉरिजॉन्टली बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. तो इक्वेटर एंड पोल्स के रीजन में जो हमें हॉरिजॉन्टल हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर के बेल्ट फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है वो किसके कारण, के टेम्परेचर के कारण. देखिए कैसे, अगर इक्वेटर है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमें इक्वेटर के यहाँ पे कौन सा बेल्ट दिख रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसके कारण हवा क्या होगी, गर्म होगी, लाइट होगी और ऊपर की तरफ जाने लगेगी. तो जो सरफेस के ऊपर हमें प्रेशर दिखाई देगा एयर प्रेशर तो वो कम होगा, लो होगा, तो जिसके कारण इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमें दिखाई देगा. नेक्स्ट हाई प्रेशर बेल्ट दिखेगा, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट. उसके बाद पोलर विंड्स की अगर पोलर रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, 0 degree या फिर उससे भी कम. तो वहाँ पे हवा कूल होगी जिसके कारण जो सरफेस होता है अर्थ का वहाँ पे हमें एयर प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा, जिसके कारण जो है पोलर रीजन में हमें हाई प्रेशर बेल्ट दिखाई देंगे. तो इसके कारण कहा गया है कि टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये रिलेटेड है एक दूसरे से. नेक्स्ट हमें दिए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच प्रेशर बेल्ट इज मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिक्स में आपको कौन सा प्रेशर बेल्ट मेनली दिखाई देगा, तो कौन सा दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमें दिखाई देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है With which pressure belt are the polar winds associated and in which temperature zone are they observed? With which pressure belt, कौन से polar winds, कौन से belt में हमें दिखाई देंगे polar winds, अगर हम देखेंगे तो कौन से belt में हमें दिखाई देंगे, तो polar high pressure belt में.
तो कहाँ पे है देखिए, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एंड उसके बाद देखिए कहाँ पे दिया है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में हमें दिखाई देंगे, और उसके बाद ये कौन से रीजन में आता है, कौन से टेम्परेचर जोन में आता है, तो कहाँ पे आएगा ये, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा रीजन आएगा, ये फ्रीजिड जोन में आएगा। डायग्राम देखोगे तो भी आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ जाएगा। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड अ लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिक्स में जो लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है इसका रीज़न क्या होगा, क्या रीज़न होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण एयर क्या होती है, लाइट हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है, विथ विच प्रेशर बेल्ट आर द विंड्स इन द टेम्परेट जोन एसोसिएटेड, तो कौन से होंगे यहाँ पे, तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, कहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो है टेम्परेट जोन में हमें दिखाई देंगे, नीचे की तरफ भी है देखिए, यहाँ पे आपको बेल्ट दिखेगा मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे भी है साउथ एंड नॉर्थ दोनों भी हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, राइट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको लिखने हैं, तो कहाँ पर है देखिए, एक यहाँ पे है जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, कहाँ से कहाँ तक है, 5 degrees north to 5 degrees south पैरेलल आएगा, उसके बाद जो है लो प्रेशर कहाँ पे दिया है देखिए, यहाँ पे बेल्ट दिख रहा है ब्लू कलर में, तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या आएगा, 55 degrees to 65 degrees साउथ में भी है एंड नॉर्थ में भी आपको दिखेगा, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे है लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो उसके एक्सटेंट आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे 55 degrees to 65 और 5 degrees to 5 degrees नॉर्थ एंड साउथ, तो ये आएगा उसका एक्सटेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको डायग्राम दिए हैं इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको इजीली आ जाएंगे, और जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में देखेंगे, तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।